गुड मॉर्निंग, आई एम प्रीति शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, इट्स ऑब्जेक्टिव, रोल, फंक्शन एंड सर्विसेज। इट इज़ द पार्ट ऑफ PLIS फर्स्ट पेपर। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, वी वॉन्ट टू डिफाइन वॉट इज लाइब्रेरी इन शॉर्ट। अ लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस वेयर द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। इट कैन बी अ बुक, मैनुस्क्रिप्ट्स, पीरियडिकल्स, न्यूज़पेपर, ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स, newspaper, etc. After the collection of information, we processed, stored and made them available to the user for an effective use. Now we will discuss the types of libraries. Libraries को समाज के नीड के अकॉर्डिंग चार भागों में बांटा गया है। पहला academic library, दूसरा national library, तीसरा public library and last one is special library. अब हम इसे वन बाय वन डिफाइन करेंगे और पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ नेशनल लाइब्रेरी। प्रत्येक राष्ट्र में एक नेशनल लाइब्रेरी होती है जिसका मुख्य काम उसकी सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना है। इसी प्रकार हमारे देश का भी एक नेशनल लाइब्रेरी है जिसे हम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में कि नेशनल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। अगर हम विश्व स्तर पर बात करते हैं तो सर जॉन डी, उन्होंने ही नेशनल लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट को लेके आए। और अगर हम भारत स्तर पर बात करें तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मेटकॉफ सर ने इंडिया में नेशनल लाइब्रेरी की अवधारणा को लेके आए। उन्हीं के परिणाम स्वरूप नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की नींव रखी गई। सन 21 मार्च 1836 को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई जिसे स्टार्टिंग में इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। 30 जनवरी 1903 को इसे पब्लिक के लिए ओपन किया गया, बट ये केवल ब्रिटिश आला अधिकारियों के लिए ही ओपन किया गया, सर्वसाधारण जनता के लिए ये खोला नहीं गया था। और भारत की आज़ादी के बाद सन 1948 में इसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सन 1953 को इसे भारत की जनता के लिए खोल दिया गया। अब हम बात करते हैं इसके रोल एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल लाइब्रेरी इज़ नेशनल डिपॉजिटरी और नेशनल रिसेप्टरी लाइब्रेरी। नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू बुक्स एंड कॉपीराइट एक्ट 1954, देश में जितनी भी बुक्स, आर्टिकल्स, जर्नल्स, मैनुस्क्रिप्ट्स पब्लिश होते हैं उनकी एक प्रति यहाँ पर विद इन अ मंथ ऑफ पब्लिकेशन सबमिट करना अनिवार्य होता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के अलावा भी तीन और डिपॉजिटरीज लाइब्रेरी हैं जो कि इस प्रकार हैं: कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एंड एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी सन 1984 में घोषित किया गया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ प्रिजर्वेशन। जैसा कि बात की गई है प्रिजर्वेशन की, जिसका मतलब होता है संरक्षण करना। यहाँ पर देश के ऐतिहासिक धरोहर के अलावा भी विदेशों की ऐतिहासिक धरोहर और डिफरेंट देशों की ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ बहुत ही रेयर कलेक्शन अवेलेबल है जो कि अलग अलग भाषाओं में भी अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर डिफरेंट लेबोरेटरीज अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से इनका संरक्षण करते हैं और इन्हें पब्लिकली ओपन करते हैं। और साथ में ही यहाँ पर प्रिजर्वेशन की ट्रेनिंग्स अवेलेबल कराई जाती है जो कि विभिन्न लाइब्रेरी के स्टाफ यहाँ पर आकर ले सकते हैं। अब बात करते हैं बिब्लियोग्राफिक सर्विस। बिब्लियोग्राफी एक प्रकार का अथॉरिटेटिव क्लासिफाइड रिकॉर्ड होता है जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया में करंट ईयर के जो बुक्स होती हैं उनकी ऑल डिटेल्स अवेलेबल होती हैं, चाहे वो पब्लिकेशन डिटेल हो, ऑथर डिटेल हो, टाइटल डिटेल हो, प्राइस डिटेल हो, वॉल्यूम डिटेल हो, इन सब की जानकारी यहाँ पर अवेलेबल होती है। और अगर कोई लाइब्रेरी कोई बुक परचेज करना चाहती है या कोई ऑथर या कोई यूज़र इसे सर्च करना चाहता है तो इस बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड के माध्यम से वो उसके बारे में जान सकता है और उसे यूज़ कर सकता है।
अगर बात करें हमारे इंडियन बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड की, तो हम उसे इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के नाम से जानते हैं, और जिसकी जिसको डेवलप करने का श्रेय डॉक्टर बी एस केशवन सर को जाता है, जो कि हमारे नेशनल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन भी रह चुके हैं जब ये इम्पीरियल लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती थी। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी की बात हो रही है तो ये 14 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और ये एक डिक्शनरी फॉर्म में अवेलेबल है, यानी कि ए टू जेड ऑर्डर में ये जो भी बुक्स की डिटेल्स हैं ए टू जेड ऑर्डर में अवेलेबल हैं। और इसका फर्स्ट पब्लिकेशन जो है वो 1958 में पब्लिश हुआ। अब हम बात करते हैं रेफरल सेंटर की। रेफरल सेंटर एक प्रकार का यूज़र इंफॉर्मेशन नीड सर्विस होती है, जो कि एक्सपर्ट एडवाइस के माध्यम से लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी का स्टाफ किसी यूज़र को प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी रिसर्च स्कॉलर या कोई यूज़र है और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वो रिसर्च कर रहा है और उसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए अपनी रिसर्च के रिगार्डिंग, और वो अवेलेबल नहीं है लाइब्रेरी में, तो वो लाइब्रेरियन से कंसल्ट करता है। और लाइब्रेरी का रोल होता है कि उस पर्टिकुलर यूज़र को वो किसी दूसरी लाइब्रेरी के माध्यम से भी प्रोवाइड करा सकता है, या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी उस इंफॉर्मेशन को उस पर अप्रोप्रिएट यूज़र को प्रोवाइड करा सकता है। द वैल्यूएबल स्टॉक ऑफ रेयर कलेक्शन, यहाँ पर देश के साथ साथ विदेशों के भी रेयर कलेक्शन अवेलेबल हैं। अगर हम देश की बात करें तो यहाँ पे सर जादूनाथ सरकार, डॉक्टर एस एन सेंज कलेक्शन, डॉक्टर आशुतोष मुखोपाध्याय कलेक्शन, जिन्हें हम आशुतोष मुखर्जी के नाम से भी जानते हैं, और इनकी कई कृतियों को हिंदी सिनेमा में मूवीज़ के रूप में समाज में लाया गया। उनमें से ही एक कृति है जिसे मूवी के माध्यम से लाया गया, जिसका नाम खामोशी है, और इन्हें बंगाल में ये बिकॉज़ ये बंगाल के थे तो उन्हें टाइगर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। अब लैंडिंग सर्विस की बात करते हैं। लैंडिंग सर्विस एक प्रकार की सर्कुलेशन सर्विस होती है जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, बट कुछ ही कलेक्शन है जो कि हम उसे लैंडिंग सर्विसेज या सर्कुलेशन सर्विस के माध्यम से यूजर्स को प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर चिल्ड्रन लाइब्रेरी सेक्शन भी है, और यहाँ की मेन बिल्डिंग को भाषा भवन के नाम से जानते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू फंक्शन एंड सर्विसेज ऑफ नेशनल लाइब्रेरीज। फर्स्ट वन इज़ एक्विजिशन। एक्विजिशन मीन्स, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया है, कि प्रत्येक लाइब्रेरी का काम होता है कि बुक्स को कलेक्ट करना अकॉर्डिंग टू यूज़र्स नीड, बट यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव किया गया है। यहाँ पर करंट ईयर्स की जितनी भी बुक्स होती हैं, चाहे वो पब्लिश्ड फॉर्म में हो या फिर अनपब्लिश्ड फॉर्म में हो, उनका सारा कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है। नेक्स्ट बात करें प्रोसेसिंग की, तो यहाँ पर हम बुक्स को प्रोसेस करते हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब हम उन्हें अरेंज करते हैं, जिस उस अरेंजमेंट को ही हम बुक की प्रोसेसिंग कहते हैं, कि बुक्स किस सिक्वेंस में लगाने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, या फिर किसी भी ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं उसे प्रोसेसिंग माध्यम कहते हैं। और प्रोसेसिंग में हम क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग का यूज़ करते हैं। तो क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो क्लासिफिकेशन स्कीम यहाँ पे DDC यूज़ हो रही है, जिसका 19 एडिशन इन प्रेजेंट यूज़ हो रहा है। और बात की जाए कैटलॉगिंग की, तो यहाँ पे AACR2 का यूज़ कैटलॉगिंग में हो रहा है, और यहाँ पे मिनिसिस सॉफ्टवेयर का यूज़ हो रहा है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ रीडिंग मटेरियल। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे बुक्स बहुत डिफरेंट टाइप की बुक्स का कलेक्शन होता है, तो यहाँ पर लगभग 400 लोगों का स्टाफ है जो कि इन सारी बुक्स का मेंटेनेंस रख रखाव करते हैं। और यहाँ पे रीडिंग मटेरियल की बात की जाए तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रीडिंग मटेरियल हैं, और लगभग 300 के आसपास यहाँ पे रूम्स हैं, और एक रूम की कैपेसिटी लगभग 300 लोग उसमें बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीडर एंड यूज़र सर्विसेज। तो रीडर एंड यूज़र सर्विसेज में डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज यूज़र्स को प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन सर्विस, टाइपोग्राफिक सर्विस, रेफरल सर्विस, रेट्रोस्पेक्टिव सर्विस। इसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं ट्रांसलेशन सर्विस क्या होती है।
ट्रांसलेशन सर्विस एक प्रकार की ऐसी सर्विस होती है जिसमें कि यूज़र को उसके कंटेंट या फिर उसके रिक्वायर्ड मटेरियल को हम उनकी लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड कराते हैं। सपोज़ दैट कोई यूज़र है, उसे कोई मटेरियल चाहिए बट वो लाइब्रेरी में उसे किसी और लैंग्वेज में अवेलेबल है और उसे समझ नहीं आ रहा है, तो हम उसे उसके लोकल लैंग्वेज में उसे प्रोवाइड कराते हैं ताकि उसे वो समझ में आए और उससे हम उसकी नीड को फुलफ़िल कर सकें। रेप्रोग्राफिक सर्विस, रेप्रोग्राफिक सर्विस एक प्रकार की फ़ोटोग्राफिक सर्विस होती है जिसे हम लाइब्रेरी के फॉर्म में रेप्रोग्राफिक सर्विस कहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे हमारा रेयर कलेक्शन अवेलेबल होता है तो कुछ रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं जो कि देश के साथ साथ विदेशों से भी आते हैं और यहाँ पे रिसर्च करते हैं उन मटेरियल्स के रिगार्डिंग। तो अगर उन रिसर्चर को पर्टिकुलर किसी रेयर कलेक्शन पे सर्च करनी है तो उन्हें उस मटेरियल को चाहिए होता है, तो हम उसे इशू तो नहीं कर सकते बट हम उन्हें उसकी एक फोटोकॉपी के माध्यम से उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं और बट हम उन्हें पूरी बुक्स अवेलेबल नहीं करा सकते फोटोकॉपी के माध्यम से। इसका भी एक प्रोविज़न है कि हम उन रेयर कलेक्शन या फिर जो भी बुक्स अवेलेबल हैं उनका 1/3 पार्ट ही केवल रिप्रोग्राफिक सर्विस के माध्यम से उस यूज़र को प्रोवाइड करा सकते हैं। रेफरेंस सर्विस एक प्रकार की एक्सपर्ट एडवाइस सर्विस है जो कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। रेट्रोस्पेक्टिव सर्विस पीरियडिकल्स की रिगार्डिंग आती है, मतलब कि पीरियडिकल्स या जर्नल्स की बात करें जिनका सीरियल पब्लिकेशन होता है, यानी कि मंथ में पब्लिश होते हैं या फिर ईयरली में पब्लिश होते हैं या फिर 15 दिन में एक बार पब्लिश होती हैं, तो इनका अगर हम किसी यूज़र को प्रीवियस एडिशन चाहिए होता है तो ये रेट्रोस्पेक्टिव सर्विस के अंदर आता है। और अगर किसी यूज़र को इसका प्रीवियस एडिशन चाहिए तो वो लाइब्रेरी से कंसल्ट करके उसे प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं, मतलब ये रहा नेशनल लाइब्रेरी के बारे में, हमने जाना कि नेशनल लाइब्रेरी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, रोल क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं, फंक्शन क्या है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द पब्लिक लाइब्रेरी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, रोल एंड सर्विसेज। सो व्हाट इज़ पब्लिक लाइब्रेरी? अ पब्लिक लाइब्रेरी इज़ अ नॉन प्रॉफिट लाइब्रेरी established for the use of general public and maintained chiefly by the public funds. It is for the public, by the public and of the public. It provides service to every citizen. Means यहाँ पर बात की जा रही पब्लिक लाइब्रेरी की, तो पब्लिक लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी होती है जहाँ पर समाज का कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ पे एजुकेशन ले सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो शिक्षक हो या शिक्षार्थी हो या किसी क्लास का स्टूडेंट हो या फिर किसी स्कूल का विद्यार्थी हो, यहाँ पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे किसी कास्ट का हो चाहे किसी रंग भेद, किसी भी प्रकार का भेदभाव यहाँ पे नहीं लागू होता है और कोई भी व्यक्ति आके यहाँ पे पढ़ सकता है और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, महात्मा खुशी राम पब्लिक लाइब्रेरी जो कि देहरादून में स्थित है, श्री गुरु नानक पब्लिक लाइब्रेरी ये भी देहरादून में स्थित है। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1950, इट हैज़ सर्व एज सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन। मीन्स ये प्रकार की इंफॉर्मेशन का हब होता है जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन का कलेक्शन रखते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड बुक्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर न्यूज़पेपर का कलेक्शन भी होता है। यहाँ पर न्यूज़पेपर एक प्रकार के जो रोज़गार समाचार पत्र आते हैं या फिर रोज़गार से रिलेटेड जितनी बुक्स होती हैं जिसमें रोज़गार संबंधी न्यूज़ होती हैं उनका भी कलेक्शन होता है। इस प्रकार से सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं इसे। सेंटर फॉर सेल्फ एजुकेशन मीन्स हम यहाँ पे खुद को इन्हेंस करते हैं, खुद की पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं सेल्फ एजुकेशन के थ्रू। यहाँ पर स्वयं की शिक्षा होती है, यहाँ पे हम ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रॉप आउट्स होते हैं और जो किसी कारणों से वो स्कूल नहीं जा पाते, वो भी आकर यहाँ पे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेंटर फॉर कल्चर, सेंटर फॉर लोकल कल्चरल मटीरियल। बात करते हैं पहले सेंटर फॉर कल्चर, मतलब यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत से रिलेटेड भी बुक्स अवेलेबल होती हैं, जो हमारे नेशनल लेवल पे जो कल्चर संस्कृति होती है उनसे रिलेटेड बुक्स अवेलेबल होती हैं। और
बात हो रही पब्लिक लाइब्रेरी की, तो जनरली यहाँ पे हर रीजन में एक लाइब्रेरी अवेलेबल होती है जो कि वहाँ पे लोकल कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। बात करें लोकल कल्चर मटेरियल की, तो वहाँ की खान पान, रहन सहन, नृत्य शैली, बोली, पहनावा, इन सब चीज़ों मतलब इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी बुक्स होती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं जो कि यहाँ के लोकल कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज की, इन्हें भी डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल के डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, पंचायत समिति लाइब्रेरी, मंडल लाइब्रेरीज, टाउन लाइब्रेरीज। मीन्स प्रत्येक स्तर पर लाइब्रेरी की स्थापना अनिवार्य है और ज़रूरी है, बिकॉज हम लाइब्रेरी के माध्यम से समाज को एजुकेट कर सकते हैं, और अगर हमारा समाज एजुकेट होगा तो हमारा देश ऑटोमेटिक एजुकेट होगा। इसीलिए लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी को खोलने का प्रावधान रखा गया, और इसका भी श्रेय डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर को जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी के लिए ड्राफ्ट पेश किया, तो ये भी एक अच्छी पहल थी। और हम बात करते हैं सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी की, तो सबसे पहले सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी, जिसे पहले त्रिवेंद्रम पीपल्स लाइब्रेरी के नाम से जानते थे, अब उसे स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी केरला के नाम से जानते हैं जो कि केरला में स्थित है, और इसकी स्थापना सन 1829 में हुई थी। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस फंक्शन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, टू प्रोवाइड द लाइफ लॉन्ग एंड सेल्फ एजुकेशन टू ऑल। मीन्स ये लाइफ लॉन्ग एजुकेशन प्रोवाइड करती है, और साथ में जो ड्रॉप आउट्स या फिर जो ओल्ड एज पीपल्स हैं उनके लिए भी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। हर स्टेट मतलब हर स्टेज पे आकर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। टू प्रोवाइड अप टू डेट फैक्टुअल इंफॉर्मेशन, मीन्स यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है टाइम टू टाइम अपडेट की जाती है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि यहाँ पर रोजगार से संबंधी भी इंफॉर्मेशन और न्यूज़पेपर अवेलेबल होते हैं, तो इन्हें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। टू प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, ये हमारे कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ के खान पान, रहन सहन, सभ्यता के से रिलेटेड बुक्स प्रोवाइड करा के। टू कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ लेजर टाइम, कहते हैं कि यहाँ पर आने से मतलब हम अपने समय का पूर्ण रूप से सदुपयोग कर सकते हैं। कहा भी गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो अगर हम इस बात को ध्यान में रखें कि अगर हम खाली हैं तो हम हमारे दिमाग में बहुत निगेटिव चीज़ें आती हैं, तो हम इस खाली समय को अगर हम लाइब्रेरी में यूटिलाइज करते हैं तो हम बहुत अच्छी चीज़ें सीखते हैं, और अपना ना केवल अपना विकास कर सकते हैं साथ ही साथ समाज का भी विकास कर सकते हैं। कहा भी गया है लाइब्रेरी इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ आइडियाज़, मीन्स हम लाइब्रेरी में जाकर बहुत सारे आइडियाज़ को यहाँ परचेज की बात नहीं हो रही क्योंकि यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट में हमें आइडियाज़ अवेलेबल होते हैं, बिकॉज हम डिफरेंट टाइप्स के कलेक्शन को फ्री में पढ़ सकते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रेस्प कर सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे हमारे हमारा सेल्फ के विकास के साथ साथ हमारे समाज का भी विकास होता है। टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन इन एन अनबायस्ड एंड बैलेंस्ड वे अमंग द सोसाइटी, मीन्स यहाँ पर जैसे कि मैंने भी स्टार्टिंग में बात की थी कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी एज ग्रुप का हो या फिर किसी भी कास्ट, क्रीड, रंग भेदभाव का कोई भी यहाँ पे ध्यान नहीं रखा जाता, और कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ पर फ्री में बुक्स पढ़ सकता है, और अगर उसे बुक्स इशू करानी है तो बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पर मेंबरशिप कार्ड बनता है, और जिसके माध्यम से वो घर पे ले जाके बुक्स को पढ़ भी सकता है। तो इसके लिए ज़रूर नहीं है कि वो किसी स्कूल का शिक्षक हो या विद्यार्थी हो या मतलब कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ पे बुक्स को पढ़ भी सकता है और साथ में घर भी ले जाके पढ़ सकता है। कन्वे न्यू नॉलेज टू द रिसर्च टू कन्वे न्यू नॉलेज टू द रिसर्चर एज अर्ली एज पॉसिबल, ये बात तो रिसर्च स्कॉलर के रिगार्डिंग की गई है कि जब कोई रिसर्च स्कॉलर रिसर्च कर रहा होता है तो उसके पास टाइम की कमी होती है, तो वो अपने मतलब रेगुलर लाइब्रेरी जहाँ पे वो विजिट करता है वो वहाँ पे रेगुलर जाने में थोड़ा
थोड़ा सा उसे प्रॉब्लम होती है, तो वो वहाँ की लोकल लाइब्रेरीज के पास जाकर भी अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकता है। टू प्रमोट क्रिएटिव थिंकिंग, यहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी के थ्रू हम अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को भी प्रमोट कर सकते हैं, नए नए थॉट क्रिएट कर सकते हैं, नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की बुक्स भी अवेलेबल होती हैं, इनके थ्रू हम अपने स्किल्स को डेवलप करके अपना स्वयं का रोजगार भी खोल सकते हैं। तो ये हमने बात की पब्लिक लाइब्रेरीज के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, रोल्स, इम्पॉर्टेंस एंड इट्स फंक्शंस। नाउ वी मूव ऑन द स्पेशल लाइब्रेरी, अ लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड्स स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सर्व्स एज अ स्पेशलाइज्ड एंड लिमिटेड यूजर एंड डिलीवर्स स्पेशलाइज्ड सर्विसेज टू दैट यूजर। मीन्स स्पेशल लाइब्रेरी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए बनाए जाते हैं। इनमें किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल मेडिकल लाइब्रेरी, मेडिकल लाइब्रेरी की बात करें तो मतलब यहाँ पर डिफरेंट टाइप की बुक्स का कलेक्शन होता है जो कि मेडिकल साइंस से रिलेटेड होता है, और जितनी भी रिसर्च अभी तक मेडिकल साइंस की फील्ड में हुई हैं उन सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। ऐसे ही लॉ लाइब्रेरीज होती हैं, ऐसी ही साइंस लाइब्रेरी होती हैं, जैसे कि निस्केयर एक साइंस लाइब्रेरी का उदाहरण है, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यह एक प्रकार की एग्रीकल्चर से रिलेटेड लाइब्रेरी होती है जिसमें कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी शोध हुई हैं, जितनी भी रिसर्च हुई हैं उन सबकी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। साथ में बुक्स भी अवेलेबल होती हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं। बात हो रही है यहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी की, तो यहाँ एक अलग ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए अवेलेबल होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि इनको भी डिफरेंट भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट लाइब्रेरीज। गवर्नमेंट लाइब्रेरीज एक प्रकार की, जैसे कि बात करें राज्यसभा लाइब्रेरी, लोकसभा लाइब्रेरी और पार्लियामेंट लाइब्रेरी, तो ये प्रकार की गवर्नमेंट लाइब्रेरीज होती हैं। बात अब नेक्स्ट करते हैं म्यूजियम लाइब्रेरीज की। नेशनल म्यूजियम लाइब्रेरी जो कि दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर देश के यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आर्टिफैक्ट्स का कलेक्शन होता है और उनकी इन ब्रीफ डिटेल्स अवेलेबल होती है। बात करें थियोलॉजिकल लाइब्रेरी, थियोलॉजिकल लाइब्रेरी एक प्रकार की बुक्स लाइब्रेरी होती है जो कि टेंपल लाइब्रेरी, गिरजाघर लाइब्रेरी के नाम से हम इसे जानते हैं। अब बात करते हैं ब्रेल लाइब्रेरी की। तो ब्रेल लाइब्रेरी हमारे देश में देहरादून में स्थित है, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड के नाम से जानते हैं। इसमें जो विजुअली हैंडीकैप्ड बच्चे या पर्सन्स हैं उनके लिए बुक्स अवेलेबल हैं जो कि ब्रेल लिपि में लिखी गई हैं। ब्रेल एक प्रकार की लिपि होती है जो कि डॉट के माध्यम से लिखी जाती है, एक प्रकार की सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है जिसे हम छू कर मतलब फील करके, महसूस करके उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अब ये पहले ये बुक्स माध्यम में अवेलेबल थी, लेकिन आजकल ये बुक्स माध्यम के साथ साथ ऑडियो एवं टॉकेटिव बुक्स के माध्यम में भी अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज की। तो फॉर एग्जांपल ICAR लाइब्रेरी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि जहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी रिसोर्स हुई हैं उनकी बुक्स अवेलेबल हैं। लॉ लाइब्रेरी की बात करें तो हमारे देश में कई राज्यों में लॉ लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं हॉस्पिटल लाइब्रेरी, हॉस्पिटल लाइब्रेरी में हॉस्पिटल से रिलेटेड जितनी भी बुक्स होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। नाउ वी कम टू न्यूज़ लाइब्रेरी। न्यूज़ लाइब्रेरी की बात करें तो जैसे कि द हिंदू लाइब्रेरी, टाइम्स ऑफ इंडिया लाइब्रेरी, दैनिक जागरण लाइब्रेरीज, मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट न्यूज़ लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। प्रिजन लाइब्रेरी जर्नलिस्ट प्रिजनर्स के लिए बनाई जाती है, जिससे वो अपना बौद्धिक विकास के साथ साथ अपना आर्थिक विकास भी कर सकते हैं और उनकी सजा समाप्त होने के बाद वो अपना स्वयं का रोजगार भी खोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द रोल एंड फंक्शन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज। जनरली इसके मेन फंक्शंस हैं एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड इंफॉर्मेशन डेसिमिनेशन।
एक्विजिशन मीन्स यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की बुक्स का कलेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल. प्रोसेसिंग, यहाँ पर भी प्रोसेसिंग होती है जो कि क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग के माध्यम से होती है. कहीं कहीं पर DDC और CC का यूज़ किया जाता है और AACR2 का यूज़ होता है. नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज की. यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स के बुक्स के साथ साथ केस स्टडी, थीसिस, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, इन सब का भी कलेक्शन अवेलेबल होता है. इंफॉर्मेशन डेसिमिनेशन मीन्स इंफॉर्मेशन का प्रसार. तो यहाँ पर जनरली हम इंफॉर्मेशन का प्रसार आम जनता तक कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक के लिए ओपन है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर बिना किसी भेदभाव के पढ़ाई कर सकता है और अपने आप को इन्हेंस कर सकते हैं. अब बात करते हैं व्हाट इज द सर्विसेज ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज. लैंडिंग सर्विस, रेप्रोग्राफिक सर्विस, इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस, रेट्रोस्पेक्टिव सर्च सर्विस, ट्रांसलेशन सर्विसेज, रेफरल सर्विसेज. तो लैंडिंग सर्विसेज जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया कि यहाँ पर भी हम बुक्स को मेंबरशिप कार्ड के थ्रू इशू एंड रिटर्न कर सकते हैं. रेप्रोग्राफिक सर्विस एक प्रकार की फोटोग्राफिक सर्विस है जो कि हम लाइब्रेरी लैंग्वेज में से हम रेप्रोग्राफिक सर्विस कहते हैं. इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस एक प्रकार की मतलब लोन सर्विस है. अगर सपोज दैट कोई यूज़र हमारी लाइब्रेरी में आता है और कोई बुक उसको रिक्वायर्ड है जो कि हमारी लाइब्रेरीज में अवेलेबल नहीं है तो हम किसी दूसरे लाइब्रेरी से उस बुक्स को या फिर कोई भी उस फोटोकॉपी माध्यम से उस बुक्स को लोन के माध्यम से बोरो कर सकते हैं और उस यूज़र की नीड को फुलफ़िल करा सकते हैं. रेट्रोस्पेक्टिव सर्च एक प्रकार के पीरियडिकल से रिलेटेड सर्च होती है जिसमें कि हम उनके बैक वॉल्यूम्स को यूज़र्स को प्रोवाइड कराते हैं. ट्रांसलेशन सर्विस एक प्रकार की सर्विस होती है जिसमें कि हम यूज़र्स को उसकी लोकल लैंग्वेज के माध्यम में उस बुक्स या उस कंटेंट को अवेलेबल कराते हैं. रेफरेंस सर्विस एक प्रकार की एक्सपर्ट एडवाइस सर्विस होती है जो कि यूज़र की इंफॉर्मेशन नीड के अकॉर्डिंग उसे प्रोवाइड कराई जाती है. ये हमने स्पेशल लाइब्रेरीज के रोल, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस किया. अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द एकेडमिक लाइब्रेरीज, इट्स रोल, फंक्शंस एंड सर्विसेज. नाउ वी मूव ऑन द एकेडमिक लाइब्रेरीज. एकेडमिक लाइब्रेरीज की बात करें तो ये भी तीन भागों में डिवाइड की गई है, स्कूल लाइब्रेरीज, कॉलेज लाइब्रेरीज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज. इसे फर्दर कई भागों में डिवाइड किया गया है. स्कूल लाइब्रेरीज की बात करें तो इसे प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के भागों में डिवाइड किया गया है. तो बात करते हैं प्राइमरी स्कूल्स की. तो प्राइमरी लाइब्रेरी में जनरली हम जो कलेक्शन रखते हैं वो बच्चों को आकर्षित करने वाला होना चाहिए. मतलब हमें बुक्स इस तरह की रखनी चाहिए जिसमें बहुत ही कलरफुल पिक्चर्स हों और जो टेक्स्ट हो वो बहुत ही एक लाइन या दो लाइन में ही लिखा होना चाहिए. हम अपने कलेक्शन में जैसे कि नन्हे सम्राट, बालहंस, चंदा मामा और महापुरुषों के चित्र भी रख सकते हैं और उनकी बायोग्राफीज भी रख सकते हैं जो कि चित्र के माध्यम में होनी चाहिए. और साथ में हम ग्लोब और एटलस चीज़ों को ऐड कर सकते हैं ताकि बच्चे उनसे फैमिलियर हो सकें. बात करते हैं मिडिल की. तो मिडिल में क्या होता है कि बच्चा इस योग हो जाता है कि वो पढ़ सके और हम इस लेवल पे बच्चों को रीडिंग हैबिट इन्हेंस करते हैं और उन्हें रीडिंग हैबिट डलवाते हैं ताकि वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल सही हो सके और वो सही चीज़ को प्रोनाउंस कर सकें. अब बात करते हैं सेकेंडरी लेवल की. तो सेकेंडरी लेवल पर बच्चा थोड़ा सा मतलब बड़ा हो चुका होता है और अपनी नीड और रिक्वायरमेंट को जानने लगता है कि उसे क्या कंटेंट चाहिए. तो इस स्टेज पे हम उसका फीडबैक लेते हैं और उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसे मतलब उसके अकॉर्डिंग मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं. इसी प्रकार हायर सेकेंडरी में भी बच्चा लाइब्रेरी की ओर आकर्षित होता है और अपने जो कोर्स मटेरियल को मतलब जो भी अपना कोर्स होता है कोर्स रिलेटेड बुक्स को सर्च करने के लिए लाइब्रेरी में विजिट करता है. तो हमें उस हायर सेकेंडरी के कोर्स को ध्यान में रखते हुए भी बुक्स अवेलेबल कराना चाहिए और प्रत्येक लाइब्रेरी की मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट की कम से कम 5 कॉपीज वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए. बात करते हैं कॉलेज लाइब्रेरी की. कॉलेज लाइब्रेरी को जनरली 3 भागों में डिवाइड किया गया है, डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एंड प्रोफेशनल कॉलेज. प्रोफेशनल कॉलेज में हम IITs, IIMs इन सब को भी ले सकते हैं और यहाँ पर एक रिच
कलेक्शन होता है लाइब्रेरीज के फॉर्म में, और यहाँ पर हम इंटरनेट की सुविधा भी बच्चों को देते हैं, और वो वहाँ पे आकर लाइब्रेरी में आकर अपने आप को इन्हेंस कर सकते हैं। साथ में डिफरेंट टाइप का कलेक्शन होता है जो कि इनके करियर पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। यहाँ पर आके बच्चा डेप्थ स्टडी कर सकता है। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोर्स से रिलेटेड बुक के साथ साथ उसकी सप्लीमेंट बुक्स भी अवेलेबल होती हैं, जिनसे वो किसी सब्जेक्ट की डेप्थ स्टडी कर सकता है और किसी सब्जेक्ट को एज अ करियर चूज़ कर सकता है। लास्ट वन इज़ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। पहला ओपन यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर। अदर में हम बात करें तो डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इग्नू लाइब्रेरी, जो कि एक प्रकार की ओपन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज हैं। यहाँ पर एक चीज़ ऐड हो जाती है जो कि कॉलेज लाइब्रेरीज में ऐड नहीं होती है, कि यहाँ पर हम थीसिस का कलेक्शन भी हमें मिलता है, साथ में हमें प्रोजेक्ट वर्क भी मिलता है। सपोज दैट कोई कोई बच्चा होता है या कोई भी रीडर होता है तो अपना रिसर्च वर्क करता है, तो उसे अपने रिसर्च वर्क को कंप्लीट करने के दौरान उसकी एक प्रति लाइब्रेरी को भी सबमिट करनी होती है। तो हमारे पास एक रिच कलेक्शन होता है, जितने भी पास आउट हो चुके बच्चे हैं उनके उनके प्रोजेक्ट और थीसिस का कलेक्शन का। और एक बात मैं जोड़ना चाहूँगी कॉलेज लाइब्रेरी के रिगार्डिंग, कि कॉलेज लाइब्रेरीज में हमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनका भी कलेक्शन अवेलेबल होता है। डियर लर्नर्स, आज हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, इट्स रोल्स, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस एंड सर्विसेज। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तब तक के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आप YouTube के जरिए भी जुड़ सकते हैं। वीडियो रूप में स्टडी मटेरियल और विश्वविद्यालय की गतिविधियों को सबसे पहले जानने के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के YouTube चैनल UOU Live को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए।